आज की वीडियो का श्रेय जाता है श्रीमान अनमोल जी के इस कमेंट को। अनमोल जी, आपके कमेंट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने SBI मैग्नम इक्विटी ESG फंड की वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट किया है। अगर आप लोग भी SBI मैग्नम इक्विटी ESG फंड की डिटेल को समझना चाहते हैं तो आज की वीडियो का डिस्क्रिप्शन आप लोग चेक कीजिएगा, आपको इसकी वीडियो का लिंक मिल जाएगा। चेक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा कि आप अगली वीडियो किस टॉपिक पे चाहते हैं या किस पर्टिकुलर प्लान के बारे में आप जानकारी चाहते हैं। अब जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमारे एक वीडियो आपके सुझाव और प्रश्नों के अनुसार लाते हैं, तो इसलिए हमारे साथ जुड़े रहें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ना भूलें। हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं यू द रियल, मैं हूं आपका अपना निजी सलाहकार अमिताज शर्मा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं जानकारी SBI म्यूचुअल फंड के इक्विटी हाइब्रिड फंड के बारे में। इस फंड का जो डेट ऑफ अलॉटमेंट है वो है 9 तारीख 10वां महीना 1995, तो काफी समय से ये अवेलेबल है। बात आती है इस फंड के फंड मैनेजर की, तो दो फंड मैनेजर इसमें उपलब्ध है कंपनी की तरफ से। पहले का नाम है श्रीमान दिनेश आहूजा जी, दूसरे हैं श्रीमान आर निवासन जी। बात आती है असेट्स अंडर द मैनेजमेंट की, तो असेट्स अंडर द मैनेजमेंट है 56,559.68 करोड़, राइट। अब ये घटती बढ़ती रहती है जैसे जैसे फंड यहाँ पे परफॉर्म करता है उसके अनुसार। अब बात आती है कि SBI इक्विटी हाइब्रिड फंड है क्या। यहाँ पे कंपनी हमें बताती है कि SBI इक्विटी हाइब्रिड फंड इन्वेस्टर के लिए एक अपॉर्चुनिटी है लॉन्ग टर्म के लिए कैपिटल को जनरेट करने के लिए, राइट, जिसमें आपको लिक्विडिटी की भी सुविधा रहती है क्योंकि ये ओपन एंडेड स्कीम है, यानी कि इसमें कोई आपको लॉकिंग पीरियड नहीं रहता है। इसी के साथ में जो फंड मैनेजर हैं वो SBI इक्विटी हाइब्रिड फंड में जो आपका मनी है उसका जो इन्वेस्टमेंट रहता है कम से कम 65% इक्विटी में रहता है और इक्विटी से रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट में रहता है। बाकी 20% से लेकर अधिकतम 35% तक डेप्ट एंड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में रह सकता है। अब ये भी हो सकता है कि 70-80 या 90% तक इक्विटी में ही चला जाए, राइट। इस वजह से इसका जो रिस्क प्रोफाइलिंग है वेरी हाई रिस्क कैटेगरी का होता है। अब बात आती है पोर्टफोलियो क्लासिफिकेशन की एज पर इंडस्ट्री एलोकेशन। तो स्क्रीन पे हमारे यहाँ पे इन्फॉर्मेशन है, वीडियो को फुल स्क्रीन पे करके हाई रेजोल्यूशन पे देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि फाइनेंशियल सर्विसेज में कंपनी ने असेट्स अंडर द मैनेजमेंट का 36.18% एलोकेट किया हो गया है। फिर आता है आपका सॉवरेन, जिसमें कि गवर्नमेंट से जुड़ी हुई जो प्रोजेक्ट्स होते हैं या संस्थान होते हैं उसमें वहाँ पे इन्वेस्ट होता है, जहाँ तक मुझे पता है, आई माइट बी रॉन्ग, 11.71% का इसमें यहाँ पे एलोकेशन किया गया है। हेल्थ केयर सेक्टर में 8.62%, ऑटोमोबाइल एंड ऑटो कंपोनेंट्स में 5.86%, टेलीकम्युनिकेशन में 5.35% एलोकेशन किया गया सेट अंडर द मैनेजमेंट का। IT यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर में 4.50%, कंज्यूमर सर्विसेज में 4.25% अंडर द असेट्स मैनेजमेंट का एलोकेशन किया गया है। बात आती है सर्विस सेक्टर की, तो सर्विस सेक्टर में 4.11% यहाँ पे एलोकेशन किया गया है। कंस्ट्रक्शन मटेरियल सेक्टर के अंदर हम बात करें तो कंपनी ने 3.08% असेट्स अंडर द मैनेजमेंट का एलोकेट किया गया है। इसी के साथ में ऑयल एंड गैस, कंज्यूमेबल फ्यूल्स में 3.02%, केमिकल सेक्टर्स में 2.58%, कंस्ट्रक्शन सेक्टर में 2.28%। बाकी इन्फॉर्मेशन आपकी स्क्रीन के ऊपर है, आप पॉज करके पढ़ सकते हैं क्योंकि और भी सेक्टर के नाम हैं, ऐसे जानेंगे आगे बताएंगे। अभी हम बात करते हैं टॉप 10 होल्डिंग्स की, यानी कि टॉप 10 कंपनीज की एज पर द पोर्टफोलियो। सबसे पहला नाम है यहाँ पे HDFC बैंक लिमिटेड, जिसमें की असेट अंडर द मैनेजमेंट का 7.089% है होल्ड इक्विटीज में। ICICI बैंक लिमिटेड में 6.648%, भारतीय एयरटेल लिमिटेड में 5.351%, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि SBI में 4.768%, दिविश लेबोरेटरी लिमिटेड में 3.702% असेट्स अंडर द मैनेजमेंट का इक्विटी होल्ड है। बात आते हैं यहाँ पे बजाज फाइनेंस लिमिटेड की, तो आप देख सकते हैं 3.669% है। फिर आपका MRF लिमिटेड जहाँ पे 3.571% है। फिर आपका कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड जहाँ पे 3.524% है। फिर इन्फोसिस लिमिटेड जहाँ पे 3.229% है, जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। बाकी और ज्यादा पोर्टफोलियो को डेप्थ में जानना चाहते हैं, मैं आपके साथ PDF को शेयर कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, जहाँ पे आप सभी कंपनीज के नाम देख पाएंगे और सेक्टर के बारे में भी जान पाएंगे। लिंक मिल जाएगा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जहाँ से आप खुद भी डायरेक्टली PDF को डाउनलोड कर सकते हैं या टेलीग्राम चैनल से सीधा आप PDF ले सकते हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ पे चार्जेस की, तो देखिए यहाँ पे एंट्री लोड चार्जेस आपको नहीं लगता है, यानी कि जब आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो कोई एक्स्ट्रा चार्जेस यहाँ पे नहीं लगेगा। लेकिन एग्जिट लोड को लेकर के यहाँ पे
चार नियम है। पहला नियम यह है कि अगर जैसे आप इन्वेस्ट करते हैं आपको यूनिट मिलती है, उसके 12 महीने के अंदर अपने इन्वेस्टमेंट का अगर 10% तक आप विड्रॉल करते हैं तो कोई एग्जिट लॉट चार्जेस नहीं लगेगा। लेकिन अगर उससे ज्यादा करेंगे पहले 12 महीने के अंदर तो 1% का एग्जिट लॉट चार्ज लगेगा। एक साल के बाद में कोई एग्जिट लॉट चार्जेस आपको नहीं लगेंगे। बात आती है एक्सपेंस रेशो की, तो हमें पता है कि म्यूचुअल फंड में हमें रेगुलर और डायरेक्ट दो ऑप्शन मिल जाते हैं। रेगुलर से रिलेटेड जो एक्सपेंस रेशो है वो 1.50% का हमारे यहाँ पे शो हो रहा है हमारी स्क्रीन पर मिंटू से, जहाँ से जानकारी ली गई है उसका भी लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। और अगर आप डायरेक्ट ऑप्शन को चुनते हैं तो 0.8% का यहाँ पे एक्सपेंस रेशो है, ये सालाना तौर पे लगता है आपके फंड वैल्यू पे। अब एक चीज बहुत अच्छी तरीके से समझ लीजिए, म्यूचुअल फंड इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, यानी कि जो भी इससे रिलेटेड PDFs हैं वो आपको अच्छी तरीके से पढ़नी है, समझनी है और प्रॉपर प्लानिंग के बाद ही आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपको जोखिम होता है। अब हम जानेंगे यहाँ पे रेट ऑफ रिटर्न के बारे में। तो पिछले एक साल में अगर आप देखते हैं एज पर द इन्फॉर्मेशन जो कि पब्लिक डोमेन में कंपनी की तरफ से प्रोवाइड है, SBI इक्विटी हाइब्रिड फंड की 7.9% का रिटर्न रहा, पिछले 3 सालों में 19% का रहा, पिछले 5 सालों में 10.67% और ओवरऑल रिटर्न अगर आप देखेंगे जब से ऑप्शन अवेलेबल है तब से लेके अब तक तो 15.06% का रेट ऑफ रिटर्न यहाँ पे रहा है, राइट। अब यहाँ पे बात आ जाती है कि अनमोल जी ने कमेंट सेक्शन में क्या लिखा था जिससे कि हम इस फंड के बारे में जानने हैं। उन्होंने लिखा कि 2 साल पहले मैंने 7 लाख रुपए का इन्वेस्ट किया, 3 साल के लिए मैंने किया है, तो मुझे कितना रिटर्न यहाँ पे मिल सकता है। अब देखिए मैं भी इन्वेस्ट करता हूँ म्यूचुअल फंड में, तो मेरा जो अनुभव कहता है 10% का रिटर्न तो आप यहाँ पे मान के चल सकते हैं, मतलब कि गारंटेड नहीं है चल सकते हैं, और कोई भी अगर आप ऑनलाइन कैलकुलेटर यहाँ पे अगर यूज कर लेंगे तो वहाँ पे आपको जानकारी मिल जाएगी उसके अनुसार। तो 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाएंगे तो 9,31,700 रुपए का आपको अमाउंट यहाँ पे मिल सकता है 3 साल के लिए अगर आपने किया है तो। ओके, ये मैंने मिनिमम माना है, रिटर्न हो सकता है आपको 15% का भी मिल सकता है माइट भी, लेकिन 15% का अगर मिलेगा उसमें एक्सपेंस रेशो वगैरह भी जाएगा तो 10-12 के आसपास ही आपको पड़ सकता है। ओके, ऐसा मुझे लग सकता है, ऐसा मुझे लगता है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ यहाँ पे पॉसिबिलिटी ही बताई जा सकती है, गारंटी कुछ नहीं होती है क्योंकि मार्केट पे डिपेंड करता है। आपने वीडियो अंत तक देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, जानकारी क्लियर है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।